दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से गेसु संवाद में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट पुनीत भटनागर, और मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरे साथ गेसु संवाद के इस मंच पर हैं श्रीमती गजाला फैजल, जो 1988 बैच से हैं और फिल वक्त भारत सरकार का जो डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन है डिप्टी डायरेक्टर जनरल है। लेकिन बात सिर्फ हम आज पद की नहीं करेंगे, बात गहरी है। मैं आपसे वादा करता हूँ, जुड़े रहिए हमारे साथ और इस चर्चा का आनंद लीजिए। तो गजाला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you and very good evening to all the friends here. तो आप कहें तो बात शुरू करें। जी जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ आपका संबंध बहुत गहरा है और उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज के तार आपसे कई तरह से जुड़े हुए हैं। लेकिन आप टेली कम्युनिकेशंस में हैं, आप क्या कर रही हैं, क्या जिम्मेदारियां निभा रही हैं, उन सब की बातें तो हम करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हम अपनी चर्चा में लौट चले पीछे की, क्यों ना आपके बचपन को एक फोन लगाया, क्यों ना डायल करें। वो उस वक्त में तो शायद वो उंगली से घुमाने वाले डायल होते, तो मैं उंगली घुमा रहा हूँ, नंबर लगा रहा हूँ आपके बचपन का। जरा पीछे लौट जाइए और बताइए हमको कि आपका बचपन कैसा। बचपन की बहुत सी यादें हैं, बचपन की काफी हैं। मेरी पूरी जो अपब्रिंगिंग है वो रूरल एरियाज में हुई, गांव में, क्योंकि मेरे फादर गांव में पोस्टिंग्स होती थी उनकी, तो इसलिए मुझे गांव से काफी लगाव रहा। और अक्सर तो मैं उनके साथ दौरों पे भी जाती थी, जब वो ऑफिशियल टूर पे जाते थे तो वो मुझे बहुत याद है, क्योंकि वो मुझे रास्ते में सब बताते थे कि ये चीज ये है, ये फला है। और सड़क पे वो जो पानी अक्सर चमकता है ना, जो सड़क व्हेन इट शाइन्स, वो बताते थे कि हाँ देखो पानी है, देन इट डिसअपीयर्स, तो वो सब है। और भी बहुत सी बातें बताते थे। और हम उनके साथ जाते थे तो जो गांव वालों का एक अपना एक अलग ही, मतलब गांव वालों का एक प्रेम अलग तरह का होता है। मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें होती है उनकी, जो करते हैं, खटिया लगा देंगे, छाछ आ जाएगी, कहीं रस्सी आ जाएगी, पर मुझे वो सब बहुत याद है क्योंकि वो मुझे, मैं बहुत एंजॉय करती थी। तो इसका मतलब है कि जब आप छोटी थी तो आप गांव में ही रहती थी, वहीं पढ़ती थी? हाँ, मेरी एजुकेशन सिक्स्थ तक छोटी जगहों पर ही हुई है, जैसे निवाड़ी, होशंगाबाद, सोनकच, हरदा, तो ऐसी जगह पर रहे। फिर सेवेंथ ऑनवर्ड्स हम उज्जैन शिफ्ट हुए थे। ओके, तो मैं आपको बताऊं, जब आपने उस खटिया की बात की, छाछ की बात की, तो मुझे भी अपना बचपन याद आ गया, क्योंकि मेरे पिताजी भी तहसीलदार रहे, एसडीएम रहे, तो गांव का दौरा वो भी करते थे। और मुझे आज भी याद है कि शायद जिंदगी की एक बहुत बड़ी अमीरी ये है कि आप किसी खेत में बैठकर वहां पे भुट्टा सेक कर खाएं, या जो होले होते हैं, छोड़ बोलते हैं हमारे एरिया में, तो होले सेक कर ताजे ताजे खाए जाएं। और तो मैं समझ रहा हूँ कि तो आप ठेठ गांव से निकली, ठेठ गांव से आपका बचपन आया। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल ऐसे गांव में रहे, इतने छोटे गांव में भी रहे कि जहाँ शाम को अंधेरा होते ही बहुत कीड़े आ जाते थे, तो हमारे यहाँ पूरे जो गवर्नमेंट कॉलोनी होती थी उसकी सब लाइट्स ऑफ हो जाती थी शाम को, और चूंकि पूरा अंधेरा होता था और लेडीज सब चबूतरे पे बैठ के अपने बातें करती थी और हम सब बच्चे छुपन छाई खेलते थे। पढ़ाई क्या होती है जो हम लोगों को मालूम भी नहीं था, बस पास हो जाते थे और पढ़ते होंगे, मेरे ख्याल से पढ़ते तो होंगे, पर कोई ऐसा ध्यान नहीं है
जितना अभी बच्चे पढ़ते हो उस तरह से कुछ भी याद नहीं, खेतों में जाना और वो सब्जियां, और आपने जैसे होले बताए, चने खाना, यहाँ तक कि मुझे वो भी याद है, हम लोग आम के पेड़ पे चढ़ते थे और केरियां काट के खाते थे, और घर से ब्लेड के दो टुकड़े करके पुड़िया में नमक पान कर ले जाते थे, केरियां खाए, इमली के चौहे। तो वो बचपन जो है ना, बहुत हम लोग का बचपन बहुत अच्छा रहा, जो हमारी जो जनरेशन थी, मैं कहूंगी सभी का, आई थिंक इट वुड हैव बीन। और मैं तो अभी भी उस चीज को, खेतों को, इन चीजों को जीने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, हम लोग उसी तरह से अभी भी रहते हैं, तो ठीक है। कोई खेल याद है आपको, जैसे आपने कहा खेल, खेल तो, हाँ बहुत से। मेरे दिमाग में, मेरे इमेजिनेटिव दिमाग में एक कल्पना दौड़ रही है कि एक बड़ा सा खेत है और उसमें गजाला नाम की एक छोटी सी लड़की हाथ फैलाकर दौड़ रही है जी। तो मुझे ये बताइए कि क्या खेल, क्या खेलते थे आप? छुपन छाई एक खेल हुआ, छुपन छाई तो बताया जी, छुपन छाई, फिर एक सितोलिया खेला करते थे, एक चपेटे खेलते थे हम लोग, यानी कि पांचे है ना, और एक नोना पाली खेलते थे, और कबड्डी, खो खो, और एक चूड़ियों, वो चूड़ियों के टुकड़ों के खेल भी होते थे, चूड़ियां को तोड़कर उसका बात, क्या बात, गेम तो होता था। मैंने नंबर सही लगाया, क्योंकि आपको तो बहुत सारी यादें आपके दिमाग में, आपके जहन में ताजा है। तो मुझे बताइए कि ये सब छोटे छोटे शहरों में, गांवों में आप रहे, वहाँ पढ़ाई की, मैं मान के चल रहा हूँ कि वो सब सरकारी स्कूल होंगे, वहाँ पे हिंदी माध्यम से ही पढ़ाई होती होगी। हाँ, पूरा थ्रू आउट हिंदी मीडियम। तो अभी बताइए कि उज्जैन कब आना? उज्जैन हम सेवेंथ में आए, जब मैं सेवेंथ में थी तब हम उज्जैन आए थे, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट वाज 78 या 79 होगा, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एग्जैक्टली, पर जिंदगी में कुछ तो फर्क आया होगा ना, तो खेत बचे ना वो खुला आसमान बचा। उज्जैन भी छोटा ही शहर है, लेकिन फिर भी शहर है, तो क्या उस वक्त उज्जैन में इतना क्राउड और रश नहीं था। हम लोग का घर फ्रीगंज पे था, लेकिन मुझे याद है फ्रीगंज के सामने की रोड इतनी खाली थी कि उसपे हम लोग गिल्ली डंडा खेलते थे, हम लोगों ने बहुत पतंगे उड़ाई है वहां। उज्जैन से तो बहुत अच्छी यादें हैं, गिल्ली डंडा और पतंग, और आप लोगों को याद होगा जैन नमकीन भंडार हुआ करता था, हमारे घर की लाइन में था, तो मुझे याद है जब गिल्ली डंडा खेलते थे तो मैं अपने घर से जैन सेव तक डंडे नपा लेती थी। क्या बात है, तो क्या बात है, गलियां भी था पीछे आसपास गलियां, मतलब दिन भर घूमना और खेलना यही था बस। आपने फिर से सचमुच यादें ऐसी ताजा की है, मुझे भी याद आ रहे हैं उज्जैन के उज्जैन। और आज आपको जब हम देख रहे हैं, तब उन यादों को भी देख रहे हैं। ये सुसंवाद का एक जो पर्पस है, एक लक्ष्य है, वो ये भी है, ये समझना कि जो हमारे अचीवर्स हैं येसु के, उन लोगों की जर्नी कैसे रही, वो इस मकाम तक पहुंचे कैसे। तो इसलिए कभी कभी पीछे पलट कर देखना, हमारी नींव में क्या है उसको देखना बहुत काम का हो सकता है। तो अब मुझे ये बताइए, मुझे बताइए कि उज्जैन में आके फिर आपकी स्कूलिंग कहाँ पर हुई? सेवेंथ और एट्थ में मेरी स्कूलिंग हुई सरस्वती शिशु मंदिर में। और नाइन्थ से इलेवेंथ तक मैं विजय राजे हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ी। तो मुझे आप ये बताइए कि अब अगर आप सरस्वती स्कूल में पढ़ी हैं शिशु मंदिर में, तो वो सब श्लोक भी आपने पढ़े होंगे? सब हम लोग रोज गीता पढ़ते थे, खाने से पहले की प्रेयर होती थी जो ओम सहना भवतु, वो भी हम सहना पढ़ाई जाती थी वहां पर। हम लोग टीचर को आचार्य जी बोलते थे, और मैडम होती थी जो फीमेल टीचर्स, उनको ताई बोलते थे। तो पिटाई भी बहुत होती थी स्कूल में। तो सरस्वती का मुझे जो याद है अपना जो सबसे ज्यादा, वो एक वहां पे हम लोग उस टाइम पेटी लेके जाया करते थे स्कूल, पेटी होती थी, तो वो पेटी लेकर जाते थे, और वो पेटी का जो
में ब्रेक्स मिलते थे या रिसेस होती थी, उसमें हम लोगों को बस पेटी बजाना और गाना गाना बहुत चलता था वो, तो अच्छा तो था। वो और कोई याद है आपको जो सरस्वती शिशु मंदिर से जुड़ी हुई? सरस्वती में एक ये था कि मैं पढ़ाई करती होंगी, उस वक्त 5-5 मार्क्स का टेस्ट होता था, 5 नंबर का, तो शायद मुझे अच्छे नंबर आ जाते थे। मुझे ये सब याद नहीं है, लेकिन एक बार मेरे टीचर घर आए, आचार्य जी, आचार्य नागर हमारे प्रिंसिपल थे उस वक्त, मिडिल स्कूल था वो वाला, तो नागर साहब और एक हमारी जो क्लास टीचर थी वो मेरे घर आए थे 8th बोर्ड में। पेरेंट्स से मिले और उन्होंने कहा कि ये पढ़ती बहुत अच्छा है एंड शी इज शार्प, आप उसका पढ़ाई पर ध्यान लगाए ताकि ये मेरिट, 8th बोर्ड होता था ना एमपी बोर्ड में, ताकि ये मेरिट में आए, हमारे स्कूल का नाम रोशन करे। क्या बात है। जी तो एक तरह से देखा जाए तो वो जो भारतीय, मैं कहूंगा कि भारतीय संस्कृति के गुण जो है वो आप में है, मेरे सरस्वती जो शिशु फादर है मंदिर। ना पुनीत, मेरे हाँ फादर को मैं इसका क्रेडिट दूंगी कि मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी भी थी ना, हाँ तो मुझे याद है फादर के साथ कहीं जाते थे और हम अगर कहीं जनगण मन सुन लेते थे ना, वी यूज टू स्टॉप देयर। और मेरे फादर आज भी, ही इज नाउ 88 ईयर्स ओल्ड, आज भी वो घर की छत पे झंडा वंदन करते हैं और फोटो खिंचवाते हैं, क्या इवन बात, टुडे। क्या बात है, यस, उसको सलाम तो मेरी भाभी के साथ हो अक्सर फिर वो लोग मुझे फोटो भेजते हैं, तो क्या बात हमारे, है। हाँ, तो मेरे फादर ने बचपन से ना, पहले के वालदेन जो होते थे ना, पहले के पेरेंट्स, बच्चों को सिर्फ परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं होता था, एक ओवरऑल ग्रूमिंग बहुत अच्छी हुआ करती थी, इतना वक्त देते थे। और हाँ, मतलब हम लोग ने जो भी कर पाए हैं, मुझे लगता है उन लोगों के बिना नहीं कर सकते थे। मतलब टीचर्स तो क्या खैर पढ़ाते ही थे, लेकिन पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है हम लोग की लाइफ में, मतलब दे आर रियली इम्पोर्टेंट फॉर अस। बिल्कुल, तो क्योंकि मैंने कहा ना कि जो बीज है, देखिए पेड़ बड़ा हो जाता है सबको दिखता है, लेकिन उसके पीछे तो कहीं ना कहीं वो बीज है जो उन्होंने, हमारे पेरेंट्स ने डाले हैं, हमारे आसपास के लोगों ने डाले हैं, हमारे गुरुओं ने हमको जो सिखाया है। तो मेरे दिल ये सुनकर खुश हो रहा है कि वो आज भी झंडा वंदन करते हैं। तो अभी थोड़े दिन पहले राजेश जोशी जी हमारे साथ थे, तो अच्छा, उनकी भी ऐसी कहानी है। तो उनके पिताजी आजाद हिंद फौज में थे और उनके घर का नाम भारत माता भवन है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे गेसू में देश के लिए जज्बा रखने वाले गेसुआइट्स हैं। तो आपके पिताजी को हम सबकी तरफ से, पूरे गेसु परिवार की तरफ से, सिर्फ मेरी तरफ से नहीं, एक सलाम आप जरूर आज रात भेजिए, बिल्कुल ये वादा आपको करना पड़ेगा, जरूर। क्योंकि ये जज्बा ही देश को आगे बढ़ाने वाला है। तो मैं आपसे एक चीज आप पूछना चाहता हूँ कि इसके बाद क्या हुआ, कि सरस्वती शिशु मंदिर के बाद आप कौन से स्कूल में? फिर मैं 9th 10th 11th मैंने विजय राजे हायर सेकेंडरी स्कूल से किया, तो तब भी ऐसे ही थे हम लोग, खेलते थे, मस्ती करना, पढ़ना। मेरे बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं होते थे, पर जो होते थे उनके साथ मैं बहुत मस्ती करती थी। और उस वक्त फिर पतंग का शौक लग गया था, गिल्ली डंडे का, यही 10th 11th में। तो 10th में जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी 10th में कैसे मैंने स्कूल में टॉप कर लिया, तो हाँ, तो वो मेरा शायद पहला अचीवमेंट था एज फार एज रैंक इज कंसर्न, मेरी लाइफ का, पूरी जो एकेडमिक लाइफ का पहला अचीवमेंट आया था 10th में, उसके पहले की मुझे याद नहीं। तो 10th में जब आया तो मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि सब मुझसे ढूंढ ढूंढ के मिलते थे 10th में, वो कौन सी लड़की है जिसने टॉप किया, तो सब बोलते थे वो है ना, एक मेरी हाइट कम ही थी शुरू से, वो एक छोटी सी लड़की है, तो मुझे लगा कि हाँ नंबर अच्छे आते हैं तो अच्छा लगता है। तो वो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि यस, पढ़ना चाहिए थोड़ा, लेकिन फिर से वही शुरू हो गया, गली डंडा, पतंग। तो 11th वॉज अगेन डिफिकल्ट, तो 11th में फिर मैंने थोड़ा जैसे तैसे 11th मैनेज किया बस। नहीं, क्या बात है। तो अब वो शरारती रही होंगी इसका। हाँ शरारती, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं बहुत आउटस्पोकन नहीं थी ना, मेरे बहुत फ्रेंड्स होते थे, अपना अपने ग्रुप में बस।
तो अब मुझे ये बताइए कि 12वीं में फिर आपने अपने आप को संभाल लिया होगा, जी हाँ, फिर थोड़ा मैंने पढ़ा तो पीईटी में, फादर ने पीईटी का कहा तो फिर पीईटी दिया हमने, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज पहले में आ गए। जी अटेम्प्ट में हो गया आपका कंप्लीट? नहीं, मेरा मेरा सेकंड अटेम्प्ट में। सेकंड अटेम्प्ट। तो अब आप उस खेतों की चौपाल से निकलकर हमारी जिसको बोलते बबुल खिड़ी तक आ गई, बबुल केड़ी आ गई। यस और तो मुझे बताइए कि मन में ख्वाब होता है कि अब हम इंजीनियर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, कुछ बड़ी हाँ डिग्री हासिल करने का। तो ये जो नंबर जुड़ा था कॉलेज की शिक्षा का, जो टेलीफोन नंबर जुड़ा, ये बताइए कि ये अनुभव कैसा है? बहुत अच्छा रहा। फर्स्ट ईयर में इनिशियली बहुत आई मीन आई हैड ए गुड इंग्लिश, क्योंकि मेरे फादर खुद इंग्लिश के कभी प्रोफेसर थे व्हेन ही स्टार्टेड हिज ओन करियर। और मुझे विजय राजे सरस्वती दोनों स्कूल्स में इंग्लिश के टीचर बहुत अच्छे मिले, तो मेरी इंग्लिश ग्रामर वाइज ठीक थी, बट स्टिल चूंकि हिंदी मीडियम था तो मुझे बहुत दिक्कत आई थी। व्हेन वी फर्स्ट सॉ दैट बुक मिलमन हेल्कियस और वो सब किताबें देखी तो मैं तो घबरा गई थी कि हाउ आई एम गोइंग टू गो रीड दीज एंड स्टडी दीज बुक्स। तो जाती थी मैं अक्सर मेरे फादर के जो दोस्त होते थे उनके यहाँ कुछ समझने पढ़ने, पर स्लोली एंड स्लोली आई पिक्ड अप, फिर थोड़ा समझ में आने लगा मेरे ख्याल से कन्याओं की रैगिंग तो नहीं होती थी। था। रैगिंग तो नहीं होती थी, बस थोड़े सवाल जवाब होते थे कभी कभी, फिर डांट पड़ती थी और हम लोग इतना डरते थे कि कोई सीनियर देख ले तो उसी में हमारी हालत खराब हो जाती तो मतलब लड़कियों में भी सीनियर का खौफ होता थी। यस बहुत ज्यादा। था। ओके। पर मेरा ख्याल है वो खौफ आपको इतना नहीं होगा, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है आप पहले ही साल से कॉलेज के एनुअल फंक्शंस में हिस्सा लेने लगी थी, गाना वाना गाने लगी थी, तो ये सच है? कॉलेज का फर्स्ट ईयर में मैंने हमारे प्रोफेसर सहगल साहब थे ना जो कल्चरल फंक्शन के आई थिंक ही वाज इन चार्ज और समथिंग, तो ऐसे ही उन्हें मैं कभी ऐसे रिहर्सल में चली गई विद समबडी एल्स, तो चूंकि मुझे शौक था तो मैंने ऐसे ही थोड़ा बहुत कुछ गाया होगा, तो बोले नहीं तो मैं तो गाना पड़ेगा गाना, तो उन्होंने मुझे गाना तैयार करवाया और मुझे बहुत हिम्मत दी कि आपको गाना गाना है। अच्छा हम तैयारी तो कर ली, रिहर्सल भी हो गई, आई वॉज रेडी टू, पर लेकिन वो बैक स्टेज पे उस वक्त हमारे कॉलेज के प्रेसिडेंट जो हुआ करते थे बैक स्टेज पे वो क्रॉस हुए और इतना बार बोल दिए आज आपका गीत है। मेरे लिए अच्छा तो अच्छा मैंने तुम गीत उतना हाँ गाओगी? उतना सुना था कि मेरी हालत इतनी खराब हो गई दौड़ी दौड़ी सहगल सर के पास, सर मैं नहीं गाना गाऊंगी, पर वो बोले कि नहीं गाना पड़ेगा। और अब मेरे इवन मेरे पूरे हाथ पैर कांप रहे थे, पैर भी ऐसे कांप रहे थे कि आई कुड नॉट स्टैंड ऑन माय लेग्स, तो मैंने फिर कहा कि मैं बैठकर गाना गाऊंगी, और मुझे याद है कि मैंने बैठकर कुर्सी पे बैठकर वो गाना गाया था क्योंकि खड़ी नहीं हो पा रही थी मैं डर के मारे। तो रैगिंग नहीं भी हुई लेकिन इतना सीनियर से का एक खौफ सा था। आई थिंक ये अचानक बहुत बड़ा शिफ्ट होता है, क्योंकि जब स्कूल वगैरह में हम पढ़ते हैं तब हमारे सीनियर्स होते हैं, उनको सलाम करना पड़ता है, उनको सर बोलना पड़ता है, ये सब ऐसा होता नहीं। लेकिन मुझे अच्छा लगा, मुझे अलग पर्सपेक्टिव से पता चला। मुझे लगता था कि ये रैगिंग सिर्फ लड़कों की होती, पर आज आपने एक नई बात बनाई। अब कुछ लोग तो वहाँ पीछे तक चले गए कि आपने कौन सा गाना गाया था, तो उसके बारे में भी अगर जब टाइम मिला तो हम बात करेंगे। अब मुझे आप ये बताइए कि कॉलेज का और कोई अनुभव, कॉलेज का क्या क्या फर्क आप पर रहा, ये बताइए, कैसा असर आप पर पड़ा? कॉलेज से मतलब स्पेशली जो हमारा कॉलेज गेसू में, मुझे ऐसा लगता है गेसू ने जो फ्रीडम स्टूडेंट्स को गेसू में मिलता है ना, वो फ्रीडम उनको बहुत बोल्ड बनाता है, बहुत स्मार्ट बनाता है, डिसीजन मेकिंग और थोड़ी बहुत रैगिंग भी अच्छी ही होती है, इफ एज लॉन्ग एज इट इज नॉट फिजिकल। इट्स नॉट इट डजंट इन्वॉल्व एनी फिजिकल टच एंड टॉर्चर। तो आई थिंक सीनियर की इज्जत करना और ये जो चीजें होती है, और फिर इंटरपर्सनल स्किल्स लोग सीखते हैं, तो इट्स ओके एज लॉन्ग एज आई सेड ना कि इट्स विद इन द लिमिट्स।
तो रैगिंग नहीं कहूंगी मैं उसको, इंटरेक्शन कहूंगी कि वो एक अच्छा इंटरेक्शन होता है। और बहुत गेसू में हम लोगों का जो बैच था ना, दिस वाज इलेक्ट्रॉनिक्स का सेकंड बैच था, तो थोड़ा सा फैकल्टी का इश्यूज थे, हमारे सारे प्रोफेसर्स विजिटिंग प्रोफेसर्स हुआ करते थे, तो थोड़ा हम लोग को खुद पढ़ने में बहुत मेहनत करना पड़ती थी क्योंकि कई चीजें खुद से पढ़ना होती थी। तो एक जो होता है ना, एक सेल्फ स्टडी भी बहुत की हम लोगों ने, और उससे हमें बहुत मदद मिली इनफैक्ट, कि सेल्फ स्टडी करी, मेहनत करते थे, प्रोफेसर से जा जा के सवाल पूछ लेते थे। और तो गेसू का ओवरऑल एटमॉस्फियर यही मैं कहूंगी कि मुझे लगता है गेसू में आज जो इतनी अच्छी जगह सब लोग पहुंचे हैं, आई थिंक एवरीवन, उसका बहुत ये बड़ी वजह यही है कि उन्होंने मतलब वो खुल के जिए जिंदगी वहां। बात सही है। कहीं जी ना कहीं गेसु अंदर से डर निकाल देता है, गेसु जी आपको स्ट्रीट स्मार्ट बनाता है। ये बात आज हम 50वां संवाद कर रहे हैं और लगातार ये बात मेरे ख्याल से हर स्पीकर ने कही कि गेसु आपको स्ट्रीट स्मार्ट बनाता है, गेसु यस आपको कॉन्स्टेंट्स के अंदर कैसे काम करना है ये सिखाता है। और मेरे ख्याल से आपके वक्त तो ये बात और भी ज्यादा सही होगी, यस यस हमारी क्योंकि एक क्लास क्योंकि आपके मेरे ख्याल उस वक्त केवल जेपी श्रीवास्तव साहब हुआ जेपी करते अग्रवाल थे, सर, यस जेपी जेपी अग्रवाल सर, अग्रवाल हाँ साहब हुआ करते थे यस जेपी अग्रवाल सर थे। और सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी क्लास कुछ दिनों तक तो कैंटीन में लगती थी कॉलेज की, क्योंकि वी वर नॉट अलॉटेड ए में। क्लासरूम इवन। तो जो सेल्फ स्टडी है, आई थिंक उस वक्त लगता होगा कि क्या हमको खुद को पढ़ना पड़ता है, तकलीफ आती है, पर मेरे ख्याल सेल्फ स्टडी जो है ये बहुत बड़ा गुण है, यस स्पेशली जब हम करियर में आगे जाते हैं, तब जिन लोगों को पका पकाया नहीं मिला है और जिन्होंने खुद पका के खाया है, आई आई थिंक उनको ज्यादा मजा आया है। राइमिंग हो गया, छोटी सी कविता हो गई। तो आप बताइए मुझे कि ये आपने कंप्लीट कर लिया, इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जैसे हमारा लास्ट वाइवा था जिस रोज, उसी दिन जेपी अग्रवाल साहब ने बोला था कल से तू पढ़ाने आ जाना। क्या बात है। यस अच्छा। और हमने पढ़ाना शुरू कर दिया क्योंकि वो 50 रुपए पर पीरियड हमें पढ़ाने के मिलते थे, तो वो हमें हमारे लिए वो पहली नौकरी, आप समझ सकते हैं ना, किसी भी इंसान के लिए वो पहली नौकरी कितनी मेमोरेबल होती है और कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो हमने पढ़ाना शुरू कर दिया था तुरंत। अगले दिन हाँ मतलब अगले दिन से तो नहीं कहूंगी, लेकिन उन्होंने से। ऐसा कहा था कि आप अच्छा। पढ़ा रहे आ जाओ, तो कब स्टार्ट किया एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन शुरू कर दिया था। और वो पढ़ाते थे हम लोग, जितने सीनियर प्रोफेसर से मांग मांग के हम लोग लेते थे, सर आपका पीरियड में ले लेती हूँ, आपका पीरियड में ले लेती हूँ। तो एक दिन में छह छह पीरियड्स पढ़ाते थे, और एक प्यून होता था इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में घनश्याम नाम का, तो हम सब तो वो डेली वेजेस वाले टीचर्स थे, जेपी अग्रवाल साहब परमानेंट थे और घनश्याम परमानेंट था, तो वो अक्सर कहता था इस कॉलेज में हम दो ही लोग परमानेंट है इस डिपार्टमेंट में, मैं और सर, हम लोगों से कहता था। हम लोग अपने बिल्स देते थे ना, तो प्रोसेस होना होते थे, तो कभी कभी उससे बात होती थी, तो अक्सर वो ऐसा कहता था। तो अब मुझे बताइए कि ये पढ़ाने का कुछ फायदा हुआ क्या? हाँ 50 रुपये बहुत। तो मिलते थे, उसके अलावा और कुछ फायदा हुआ? अब उससे फायदा हुआ कि पढ़ाने से खुद बहुत सीखता है इंसान, तो जो मेरा जो यूपीएससी में सिलेक्शन भी हुआ ना, आई वुड से कि इसका बहुत बड़ा रीजन मेरा ये जो मैंने इमीडिएटली पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो इसलिए मुझे, मैंने रिटर्न क्लियर किया, आई डोंट रिमेम्बर कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही सॉल्व किए थे, सिर्फ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं दोज वर दैट वाज द ओनली थिंग वी डिड एडिशनल। कोई कोचिंग नहीं होती थी उस वक्त, कॉन्सेप्ट ही नहीं था कोई कोचिंग वगैरह का, तो बिकॉज ऑफ दिस टीचिंग आई थिंक आई कुड डू वेल इन द एग्जाम। वो बहुत बड़ा क्रेडिट इसका गेसू को जाता है। और इससे इंजीनियरिंग इधर यूपीएससी में होने से पहले मैं एमपीपीएससी में के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई थी कॉलेज में। वहां पे शायद आपने टॉप भी किया था। जी, आई टॉप्ड एमपीपीएससी का जो लिस्ट थी वो मैंने टॉप किया था, असिस्टेंट प्रोफेसर का की वो थी वो वैकेंसी। तो वहां से ये छलांग जो आज आप जहां पर हैं, ये छलांग कैसे कट जाती यूपीएससी में? जी यू मतलब एमपीपीएससी टू यूपीपीएससी हो, यूपीएससी ठीक, अच्छा लगा जॉब। नेचर ऑफ वर्क मेरा यहाँ पर भी टेक्निकली था, क्योंकि इनिशियली मैंने पूरा इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस, तो चूंकि टेलीकॉम
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम ही मैंने पढ़ा भी, पढ़ाया भी, तो इनिशियली तो प्योरली टेक्निकल वर्क था और आई यूज टू एंजॉय माई वर्क. मैंने अपने वर्क को बहुत एंजॉय किया, खूब काम किया, टेक्निकल और आपकी शुरुआत वर्क किया जी. शुरुआत आपके करियर की कहाँ से हुई, कौन हम से लोग शहर से? हम इंदौर इंदौर से शुरू में तो फर्स्ट पोस्ट करियर की शुरुआत एक्चुअली प्रोबेशन होता है हमारा 2 इयर्स का, उसमें कई जगह पोस्टिंग्स होती है. सो आई वॉज इन गाजियाबाद, इन जबलपुर, नागपुर, अहमदाबाद एंड फिर मेरी पोस्टिंग ही नागपुर ही हुई थी. लेकिन फिर मैं बाद में चेंज होके मेरा इंदौर हो गया था. तो मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछा, मैं जिसको बोलते ना कि पता नहीं क्यों मुझे आपसे बात करना होना तो बार बार मुझे टेलीफोन याद आता है, और जैसे आपकी जर्नी हुई ना कि खेतों से चालू की, उसी तरह से ये हमारा जो टेलीफोन है इसकी भी अपनी एक जर्नी है। जैसे कि पहले वो काले रंग का एक फोन होता था, उस पर डाल घुमाना पड़ता था, फिर बाद में बटन दबाने वाले फोन आ गए। मेरे ख्याल से ये वो दौर होगा जब वो बटन दबाने वाले फोन आ चुके थे। मुझे लगता है किसी भी समाज में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा योगदान है उसकी उन्नति में, और उसमें ये टेली कम्युनिकेशन का भी रोल बहुत बड़ा है। उसमें कितनी उन्नति होती है उतनी तेजी से उन्नति देश की भी होती है, और ये बड़ा चैलेंजिंग है। मतलब ये इतना आसान नहीं है, बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि इतना बड़ा देश, इतने बड़े देश में पूरे देश को जोड़ना ये बहुत बड़ा काम है। और चैलेंज से मुझे यह याद आया कि आज के हमारा जो ये संवाद का सेशन है उसका हमारा टॉपिक भी है चैलेंज योर वे टू सक्सेस। और आपने अपनी जिंदगी में कई बार ऐसे चैलेंज लिए हैं और उनको पूरा कर दिया। तो मैं चाहूंगा कि आपकी जो करियर की कहानी है, अगर हम उन चैलेंजेस के थ्रू समझें तो किस तरह से आपने चैलेंज लिए और उनको पूरा किया। देखिए, चैलेंजेस तो मुझे लगता है हर इंसान की लाइफ में आते हैं. अब ये है कि वो चैलेंजेस को से घबराना नहीं. तो पहली चीज तो यही है कि हम लोगों ने जब ज्वाइन किया था डिपार्टमेंट तब तो सब कुछ इट वाज ऑल ग्रीन ग्रीन, बट टेलीकॉम में कंपटीशन आ गया था इन द ईयर 98 जो लैंडलाइन में सबसे पहले आया था. एंड फॉर्चुनेटली कहें या अनफॉर्चुनेटली, वो उसकी शुरुआत इंदौर से हुई है. पूरे हिंदुस्तान में जब भारती ने फर्स्ट सर्विसेज लॉन्च की थी तो इंदौर ही से की थी. ओके, तो और हाँ, तो उस ये जो वक्त कॉम्पिटिटिव युग की शुरुआत हुई टेली जी हाँ कम्युनिकेशन में, उसको आपने इसका मतलब बहुत करीब से देखा। जी हाँ बिल्कुल, बहुत करीब से देखा. तो उस वक्त हम लोगों के सामने बहुत बड़े बड़ा चैलेंज था कि हमें इस कंपटीशन में को हमें कैसे इस वी हैव टू सेल थ्रू दिस कंपटीशन. तो कैसे सरवाइव करना, नॉट जस्ट सरवाइव, वी वांट टू बी अहेड ऑफ एवरीवन एल्स. तो इसमें आई एम फॉर्चुनेट कि मेरे उस वक्त जो बॉसेस थे दे वर ऑल वेरी गुड. हम सब लोगों ने उस वक्त बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की कि एक एक गवर्नमेंट सेटअप था ये. इट वाज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम देन. और एक गवर्नमेंट सेटअप में कंपटीशन के लिए तो सबसे पहले हम लोगों को यही लगा कि वी केम अप विथ मेनी डिफरेंट, बहुत सारे हमने नई चीजें करी कि तो सबसे पहले हमें लगा कि जो भी प्राइवेट ऑपरेटर आएंगे तो वो सब दे विल नेचुरली गो फॉर कमर्शियली इंपॉर्टेंट कस्टमर्स जो ज्यादा रेवेन्यू देते हैं. तो हमने अपने सारे इंपॉर्टेंट कस्टमर्स का डेटा लेकर वी स्टार्टेड ए पर्सनलाइज कस्टमर केयर, पूरी प्लानिंग हमने की, उसमें अकाउंट होल्डर स्कीम इम्प्लीमेंट की. तो आपको यकीन नहीं करेंगे, वो स्कीम हमने इम्प्लीमेंट की और हमारे यहाँ के जो एम्प्लॉयज थे उनको हम लोगों ने साथ लिया और उस स्कीम का इतना बेनिफिट हुआ था कि जब भारती आया और वो जो चर्निंग नहीं कर पा रहे थे तो देवर सरप्राइज्ड कि ये चर्निंग हम क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम लोग तब तक उनके आने से पहले हमारी जो अकाउंट होल्डर स्कीम थी
उसको इम्प्लीमेंट करके पर्सनल रेपो डेवलप करने का जो काम था, वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड विद आवर कस्टमर्स, और हमने उनको पर्सनलाइज कस्टमर केयर देना, हमारे लोगों ने उनके यहाँ जाना, उनकी सुनना, उनकी पूछ करना शुरू कर दी थी. तो इट वॉज नॉट ईजी फॉर देम. और हमारे जो एम्प्लॉयज यूनियन थी उनको भी मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है कि उन लोगों ने भी कमर कस ली थी. और एक वाकया ये हुआ था कि सुनील भारती मित्तल ने किसी इंटरव्यू में कह दिया कि डीओटी के रामदास हमारे पीटर का मुकाबला नहीं कर पाएंगे. तो बस जो हमारी जो एम्प्लॉयज यूनियन थी उन्होंने कमर कस ली थी कि अब हमें पीटर बनना है. तो हम लोग जो है इकट्ठा होकर हमारी जो पूरी टीम थी, अब मेरे मेरे उस वक्त जो बॉसेस थे और मुझे भी, मैं उस टीम का एक बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर रही. तो हम लोगों ने पूरे उन लोगों को राइट फ्रॉम ड्रेस कोड, टाई पहनना एंड पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम हैंडशेक टू हाउ टू स्टार्ट अ सेल्स कॉल एंड हाउ टू एंड एंड हाउ टू कंक्लूड अ सेल्स कॉल और क्या क्या करना है, वो सब चीजें सीखी और सिखाई. तो इट हैड इसका बहुत एक ऐसा इम्पैक्ट रहा कि और हम लोगों ने नॉट ओनली दिस, उसके बाद में मैं मार्केटिंग हेड भी बनी थी इंदौर जी में. यस, तो हम लोगों ने पूरा एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन, हमने उस वक्त लोगों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था, बस वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का एक लोगो था अहर निशम सेवा महे वाला, लेकिन हमने अपना इंदौर टेलीफोन्स का एक लोगो डेवलप करवाया और बहुत सी ऐसी चीजें करते थे हम लोगों ने. एक हम लोगों ने उस वक्त एक हॉल बनाया था विजन विजन 2000 के नाम से एक हॉल बनाया था कि जब हम उस हॉल में जाते थे तो हम लोग सब सीखने का काम करते थे. तो मुझे एक चीज बताइए, मतलब मुझे सुन के अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जनरली ये सोचा जाता है कि जब कोई भी फील्ड का प्राइवेटाइजेशन होगा, प्राइवेट प्लेयर्स उसमें आएंगे तो सरकारी जो डिपार्टमेंट है उसका मुकाबला नहीं कर पाए. पर यहाँ पर आप जो मुझे बता रही हैं उसके हिसाब से आपने वो सब चीजें 1998 में की जी हाँ, जो हमारे बाजारों में मार्केट में बहुत बाद में चालू हुई. मतलब आपने पर्सनलाइज्ड सर्विस, हम लोग फोन ऑन फोन स्कीम लाए थे, फोन ऑन फोन. तो वी डिड मेनी, मतलब बहुत सारे चीजें जो पहली बार इंदौर में हुई थी वो फिर रेप्लिकेट हुई है नेशनल लेवल पे. क्या बात, क्या बात. तो मैंने ये भी सुना कि उस दौरान कुछ लोग बड़े बड़े ऑफिसर भी, यूनियन के अलावा बड़े बड़े ऑफिसर भी खुद फोन करके कस्टमर्स से बात करते थे. मैं खुद भी गई हूँ. बिल्कुल, हम खुद जाते थे और मीटिंग्स करते थे और हम लोगों को बाद में लास्ट में तो हम लोगों को टेंडर्स में भी पार्टिसिपेट करना पड़ता था. बाद में फिर 2000 में इट बिकेम बीएसएनएल, तो जो टेलीकॉम के जो फील्ड यूनिट थी और जो सर्विस वाला पार्ट था इट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कंपनी. तो बीएसएनएल के पास सर्विस चली गई थी और डीओटी का रोल फिर लाइसेंसिंग एंड पॉलिसी मेकिंग हो गया था. तो बीएसएनएल में भी मैं 10 साल डेपुटेशन पे रही और उन 10 इयर्स में हम लोगों ने बहुत काम किया. वी केम अप विद 2G. 2G थोड़ा हमारा लेट हुआ था बीएसएनएल का, बट देन वी केम अप विद 3G. तो 3G के टाइम हम लोगों ने बहुत काम किया. 3G वाज लॉन्च्ड, हम लोगों ने 3G के एक्सपीरियंस जोन्स बनाए थे इंदौर में, तो दैट वाज आल्सो अप्रिशिएटेड अ लॉट के बहुत अच्छे थे. एवरीबॉडी कैन वॉक इन. जी, क्योंकि मैं एडवर्टाइजिंग में था और मैं उस दौर में प्राइवेट कंपनीज के साथ काम कर रहा था, तो मुझे मालूम है कि कंपटीशन वो कितना तगड़ा था, किस लेवल पे वो लोग भी अपनी तैयारी करते. ऐसे में अगर उनको तकलीफ हुई है या वो मार्केट पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे, तो मैं कह रहा हूँ एज ए मार्केटिंग हेड, एज बिजनेस डेवलपमेंट हेड, उस दौरान जब आप थी तो मैं आपको बधाई देता हूँ. मेरा कहना है कि हम सब गेस्टवाइज आज बहुत खुश हैं ये सुनकर, और इसलिए भी कि आप टेक्निकल फील्ड से गई थी, टेक्निकल बैकग्राउंड से गई थी और उसके बाद आप मार्केटिंग हेड है और बिजनेस डेवलपमेंट है, और ये सब ब्रेक थ्रू उस वक्त के लिए तो ब्रेक थ्रू आइडियाज थे. आपने उस पर काम किया, वो भी एक सरकारी डिपार्टमेंट में रहते हैं, बहुत बहुत बड़ी बात है और मैं आपको बधाई देता हूँ, बार बार बधाई देता हूँ. थैंक यू. और मैं यहाँ पर दादाजी एक बात और कहना चाहता और ये बात कहीं छूट न जाए मेरे दोस्तों से, सुनने वाले श्रोताओं से, दर्शकों से,
इसलिए उसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ, रेखांकित करना चाहता हूँ। जैसे आपने बोला ना कि भारती के जो जनाब थे उन्होंने कहा कि रामदास जी पीटर का मुकाबला नहीं कर, एंड दैट बिकेम ए टर्निंग पॉइंट, यस दैट बिकम ए वॉर क्राई, वॉर, एक वो क्लेरियन कॉल बन गया पूरे हमारे डिपार्टमेंट। हमारी यूनियन का नारा होता था कि एयरटेल को आने तो दीजिए, हम उनकी एयर निकाल देंगे और उनकी सिर्फ टेल रह जाएगी। क्या बात। तो मैं यहाँ पे मेरे गेसू में जितने भी एयरटेल के दोस्त हैं उनसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि तो ये सिर्फ जो हुआ वो बताया जा रहा है, इसमें किसी कंपनी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं है। तो दैट वाज रियली अ वेरी चैलेंजिंग टाइम फॉर हाँ, पर अस मैं ये एंड कह रहा वी था ना सेल कि थ्रू इट, वी सेल थ्रू इट। तो क्योंकि मेरा कहना है कभी कभी, तो मेरा कहना है कि जो बड़े चैलेंजेस होते हैं ना उसमें जो मार्केट के चैलेंज हैं वो सब अपनी जगह होते हैं, लेकिन जो प्रोसेसेस के चैलेंज है वो अपनी जगह होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो इमोशनल ड्राइव होता है। मैं बार बार ये इसलिए रेखांकित कर रहा हूँ कि शायद अगर उन्होंने ऐसा ना बोला होता तो शायद हमारी जो ताकत है उसमें 60% होती, उतना दमखम के साथ सब लोग काम नहीं करते। तो बिल्कुल इमोशनल जो पार्ट है गोल सेटिंग का वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं। तो ये रियल एक बड़ा चैलेंज था जो सिर्फ आपने अकेले नहीं नहीं, नहीं दिया, आपने पूरी कंपनी ने लिया, पूरा ऑर्गेनाइजेशन ने लिया। मैं अब इसमें आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि ये आप इस वक्त इंदौर में ही थे। मोस्टली आई वेंट टू उज्जैन फॉर अबाउट 2 ईयर्स, आई वॉज ट्रांसफर्ड देयर, पर बट फिर आप दिल्ली कब पहुंचे? दिल्ली दिल्ली गई थी मैं 2004 में, मेरा ट्रांसफर दिल्ली हो गया था, तो ओके आई वॉज देयर इन, वहाँ पे थोड़ा नेचर ऑफ वर्क चेंज हो गया था, आई वॉज ज्वाइन डी डी जी रेगुलेशन देयर, तो थोड़ा नेचर ऑफ वर्क चेंज हुआ था, एंड वी देन वर्क ऑन मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, तब आई नहीं थी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, सो आई रिमेम्बर हैविंग वर्क ऑन दैट कंसल्टेशन पेपर ड्यूरिंग दैट टाइम। उसके बाद फिर दिल्ली में बहुत ज्यादा नहीं रही क्योंकि आई वॉन्टेड टू कम बैक टू इंदौर एंड आई वॉन्टेड टू स्टे विद माई फैमिली एंड माई चिल्ड्रन, तो तो ये हो पाया? जी हाँ, ये कुछ इस तरह हुआ कि वन ऑफ माय कलीग सजेस्टेड मी कि आप इंदौर के किसी कॉलेज से एमबीए करने का प्लान कर लीजिए, तो एडमिशन हो जाएगा, देन यू कैन टेक स्टडी लीव, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में स्टडी लीव का प्रोविजन होता है। तो अब मैं इसको कहूंगी कि मैं आई हैव बीन लक्की ऑल्सो, मैं कहूंगी कि मुझे ऊपर वाले ने मेरा बहुत साथ दिया, तो जब मैं दिल्ली में काफी अरसे तक मैं रही, आना जाना करती थी बहुत इंदौर बहुत फ्रीक्वेंटली, लेकिन फिर मेरा आईआईएम इंदौर में एडमिशन हो गया एमबीए में, तो मैं वापिस स्टडी लीव लेके इंदौर आ गई, तो आईआईएम इंदौर अच्छा, से ओके। एमबीए कर तो लिया। आप एमबीए भी हैं, वो भी आईआईएम से हैं। जी ओके, तो मुझे ये बताइए कि आप पढ़ने में अच्छी थी, पढ़ते थे, तब तक ना पढ़ाई में थोड़ा सा वो छूट गया लेकिन इतने साल काम करने के बाद, फील्ड में काम करने के बाद, इतना एग्रेसिवली एम्बिशियसली काम करने के बाद, ये कितना, मेरे ख्याल से नौकरी करते करते अब आपको कितना 10 साल हो गए होंगे, ज्यादा था। हो गए। ज्यादा हो हाँ गए ना, 91 to 2004, थर्टीन तो इयर्स 2005, 13 ईयर्स, 14 ईयर्स। 14 ईयर्स, तो 14 ईयर्स के बाद अब आप आई इंदौर में आईआईएम करने, और अब मुझे बताइए कि फिर वापस से पढ़ाई हो पाई? फर्स्ट टर्म वाज वेरी टफ फॉर मी, हाँ पहला जो टर्म था, हम लोग के टोटल 8 टर्म्स होते थे, तो पहला जो टर्म था उसमें पढ़ा मैंने, लेकिन मेरी रैंक 13th रैंक थी क्लास में, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये नहीं चलेगा, आई हैव टू रियली वर्क हार्ड, तो मैंने फिर थोड़ा मेहनत करी, पढ़ना शुरू किया, अच्छा था, आई एम फैकल्टी वाज आल्सो वेरी गुड, तो टीचर्स वेर गुड, प्लस मेरा जो क्लास जो था, मेरा जो पियर था, पियर्स थे, दे वर आल्सो वेरी गुड, के सभी फील्ड से थे, इट वाज एन एग्जीक्यूटिव्स बेंच, तो देर वर पीपल फ्रॉम डिफरेंट कॉर्पोरेट्स, एसबीआई, एलआईसी, सब तरह के लोग थे, तो आई लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, लेकिन ये कि मुझे थोड़ा सा रैंक का भी था कि आई शुड डू बेटर,
तो मैंने पढ़ा, और उसके बाद जो नेक्स्ट रिजल्ट आया एग्रीगेट में, आई रीच्ड 8th पोजीशन। देन 8th भी अच्छी नहीं लग रही थी, तो आई वर्क्ड हार्डर देन द प्रीवियस वन, तो मेरी 5th रैंक हुई। एंड बाय द टाइम आई केम आउट, हमें एग्रीगेट ओवरऑल मेरी 2nd रैंक रही थी आई एम इंदौर में एमबीए में। तो मुझे बताइए कि इस वक्त तक तो आपकी शादी हो चुकी थी, आपके बच्चे थे, और उनको पढ़ाती थी या खुद पढ़ती थी? हम जब जब मैं हॉस्टल में भी रहती थी, और फिर मैं घर भी भाग कर आ जाती थी हॉस्टल से, क्योंकि वो रेजिडेंशियल कोर्स कहते हैं ना, तो मैं भाग कर आती थी। और मेरी रूममेट से मैं टेबल पे मेरे कोई प्रोफेसर देखना नहीं है सेशन, लेकिन मैं टेबल पे एक अपना किताब, चश्मा, एक चश्मा स्पेयर रख रखा था, और बीच में बिल्कुल पेन ऐसे रखती थी, उसको बोलती थी कि मैं जा रही हूँ इंदौर, राव में है ना कॉलेज, तो मैं इंदौर जा रही हूँ, और बिल्कुल टेबल का सीन ऐसा कि भाई बस यही हूँ, कोई आ जाए चेक करने तो बोलना कि वो राव तक गई है दवाई लेने, समथिंग लाइक दिस। मुझे फोन कर देना, मैं 40 मिनट्स में कार चला के आ जाऊंगी। और मैं बहुत आना जाना करती थी, तो मैं, हम तीनों, मेरी दो बेटियां थी, मतलब बेटियां उस वक्त छोटी थी यानी, तो हम तीन टेबल हमारे, हम लोग घर में लगाए थे, बीच में मैं पढ़ती थी, आसपास दोनों, तो हम तीनों साथ में पढ़ते थे। क्या बात है, क्या बात। तो जी ये जज्बा अच्छा है, जज्बा अच्छा है। और क्या सीखा आपने, क्योंकि एमबीए बहुत कुछ सिखाता है, जी हाँ, एमबीए वहां से पे क्या सीखा सीखा? मैंने तो बहुत सीखा, मुझे नहीं पता दूसरे शायद पहले से जानते होंगे सब। मैं सभी से कहती हूँ कि ठीक है, कुछ लोगों में तो क्वालिटीज होती हैं, स्पेशली जो कॉर्पोरेट सेक्टर में होते हैं, प्रोबेबली दे नो मेनी थिंग्स, पर मेरे लिए एमबीए वाज अ वेरी गुड लर्निंग, माय एमबीए वाज अ वेरी गुड लर्निंग। मैंने बहुत सा सीखा, मैंने प्रोसेसेस के बारे में सीखा, मैंने सबसे अच्छी बात कि मैंने वहां पर एक्सेल सीखा, हमने एक्सेल सॉल्वर चलाना सीख लिया वहां, और एक हर चीज में एक डीप, एक जाकर टू सी थ्रू थिंग्स आई वुड से, वो मैंने वहां सीखा। और इंटरपर्सनल स्किल्स सीखे, प्रेजेंटेशंस वगैरह हम लोगों को इतने देना पड़ते थे, तो मैंने वहां वो भी अच्छा, मेरा मतलब ओवरऑल बहुत सीखा वहां, इट वाज अ वेरी गुड टाइम देयर। तो इतने साल नौकरी करने के बाद वो टेली कम्युनिकेशंस के में जब कॉम्पिटिशन आई, उसका सामना करने के बाद भी आपको लगता है कि एमबीए ने आपको बहुत कुछ सिखाया है? यस, आई फील सो। मुझे लगता है कुछ भी, एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ गिव्स यू सम लर्निंग, तो एमबीए तो पूरा एक अपने आप में कोर्स है। एमबीए आपको एनालिटिक्स में यस, काफी एनालिटिक्स एक एनालिटिकल पूरा अप्रोच, मैंने कहा ना टू सी थ्रू थिंग्स, जो पहले तो शायद मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा किसी चीज में इतना डीपली नहीं जाती हूँ, कई बार तो मुझे लगता है कि मैं डम भी थी एमबीए से पहले कई बार मैं ऐसा भी सोचती हूँ कि मुझे पहले मालूम ही नहीं था, लेकिन ये कि मैंने बहुत सीखा, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब ऐसा सबके साथ होगा, मैं अपनी बात कर रही हूँ। नहीं, बात सही है, क्योंकि स्पेशली टेक्निकल फील्ड से जब हम एमबीए करने जाते हैं, तो एमबीए में जो केस स्टडी के थ्रू पढ़ाई होती है या अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं, और स्पेशली आपका तो एग्जीक्यूटिव कोर्स था, तो उसमें बहुत रियल लाइफ एग्जांपल्स रोज आपके सामने आते होंगे, जो जी हाँ, कन्वर्सेशन होती होगी उसमें बहुत सारी नई बातें सीखने को मिलती है। तो गजाला जी जो पहले ही बड़ी मजबूत थी, पहले ही ज्ञानी थी, पहले ही हैंड्स ऑन काम करती थी, वो अब एमबीए भी कर उन्होंने एमबीए भी कर लिया, सोने पे सुहागा हो। अब यहाँ से अब वापस अपने सरकारी डिपार्टमेंट में पहुंची। यहाँ पे मेरा एक सवाल है, क्योंकि कई बार लोग ऐसा जब क्षण आता है तब प्राइवेट जॉब्स को चले जाते। आपकी कहानी क्या रही, जरा बताओ। हमारा जो हम लोग के अभी प्लेसमेंट के टाइम पे मैंने पार्टिसिपेट किया था आईआईएम इंदौर में, आई पार्टिसिपेटेड इन द प्लेसमेंट सेशन, और मेरा सिलेक्शन भी हुआ था इंफोसिस का, जो एक पूरा उनका बीपीओ है जिनमें टेलीकॉम क्लाइंट्स होते हैं उनके, तो दे वांटेड टू हायर मी फॉर दैट, और
मुझे बहुत ज्यादा नहीं था कि मैं इंदौर छोड़ना नहीं चाहती थी, फिर भी आई जस्ट थॉट कि नहीं लेट मी ट्राई। तो मैं उस सिलेक्ट हुई थी, कैंपस से हुई थी। उसके बाद देन देयर वाज अनदर राउंड ऑफ इंटरव्यू, वो जो कॉन कॉल के थ्रू हुआ था, सो आई पास्ड थ्रू दैट आल्सो। उसके बाद एक फाइनली उसके बाद मैंने दिल्ली ज्वाइन कर लिया था एमबीए के बाद। तो जब मैं दिल्ली में पोस्टेड थी दैट टाइम, फिर एक उनका एक ऑन साइट यानी कि बेंगलोर में जो उनका हेडक्वार्टर है वहां पे एक मेरा इंटरव्यू हुआ था। इट वाज क्वाइट लॉन्ग इंटरव्यू। और उसके बाद उन्होंने मुझे फाइनल किया कि यस गजाला, वी थिंक यू आर ए गुड फिट एंड वी वुड लाइक टू हायर यू। तो आई सेड ठीक है, सेंड मी योर ऑफर। फिर लोगों ने ऑफर भेज भी दिया था पर फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया। ओके, आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप फिर दिल्ली में बनी रही अपने जॉब में? मैं उन दिनों दिल्ली में थी और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं वापस मध्य प्रदेश आ जाऊं। और मध्य प्रदेश आने के बाद फिर ऑब्वियसली इंदौर ही मांगती मैं मध्य प्रदेश में। तो मैंने अप्लाई किया हुआ होता फॉर ए चेंज कि मुझे मेरा स्टेट चेंज कर दिया जाए। तो वो एप्लीकेशन मेरी प्रोसेस में थी एंड मैं इस कंफ्यूजन में चल रही थी कि मैं सरकारी विभाग में रह के दिल्ली में रहूं या मैं जॉब छोड़ के बैंगलोर चली जाऊं। कई बार लगता था कि जब घर घर में नहीं रहना तो फिर दिल्ली हो या बैंगलोर एक ही बात है, क्योंकि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बस यही रहता था कि किसी तरह मैं अपनी फैमिली के साथ रह सकूं। तो ये वाकया मुझे बहुत अच्छी तरह हमेशा याद है और मैं इसको शेयर भी करती हूँ सबसे कि मेरा जिस दिन ये मेरा जो हम लोग के यहाँ सरकारी डिपार्टमेंट में फाइल बनती है, हर चीज की एक फाइल होती है, तो मेरी फाइल बीएसएनएल के सीएमडी के पास अप्रूवल के लिए थी फॉर मध्य प्रदेश, गई हुई थी प्रोसेस में। और वो उस वक्त 15 दिन के लिए बाहर जा रहे थे। और उस दिन मैं सोच ही रही थी कि मैं क्या करूं, मुझे फला जगह भी जवाब देना है, इन्फोसिस में भी जवाब देना है, एंड आई एम नॉट आई डोंट नो वेदर आई एम गोइंग टू गेट एमपी और नॉट। ये सब मेरे दिमाग में बहुत उलझने थी ना, यू नो देयर वाज लॉट ऑफ कंफ्यूजन, बहुत नर्वस थी मैं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैं आई वेंट देयर, आई टॉक टू द पीएस ऑफ माय सीएमडी के अगर साहब मेरी फाइल आज कर देंगे तो आई विल गेट टू नो अबाउट द डिसीजन। तो बस इतना मैं फिर आके, और पुनीत ये मैं सबसे बताना चाहती हूँ कि प्रेयर्स की ताकत, कि मैंने उस दिन फिर मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पर बैठ कर हम लोग नमाज पढ़ते हैं ना, तो वो नमाज पढ़ी। मैं ऑफिस में हमेशा अपने नमाज पढ़ती हूँ, मेरा जो जो टाइम होते हैं उस टाइम में अपना पढ़ लेती हूँ, hardly takes 5 minutes। तो पढ़कर मैंने फिर उस टाइम सिर्फ प्रेयर की, और प्रेयर में मैंने बस यही कहा कि मतलब अल्लाह से ईश्वर से यही मांगा कि आज मेरे बच्चों के लिए और मेरी फैमिली के लिए जो बेस्ट हो वो डिसीजन उस हिसाब से मेरे फेवर में हो जाए। मैंने ये नहीं कहा कि मैं एमपी चली जाऊं या मैं बैंगलोर मिल जाए मुझे या मैं दिल्ली, आई डिड नॉट आस्क फॉर एनीथिंग स्पेसिफिक। बस क्योंकि देखिए ऊपर वाला तो आपके अंदर क्या हलचल हो रही है ना वो ऑलरेडी जानता है, तो इसलिए मैंने बस ये कहा कि वट एवर इज बेस्ट फॉर मी वो मेरे साथ हो। तो बस ये मैं दुआ करती रही और शाम को 5 बजे आई वेंट अगेन टू इंक्वायर कि कुछ हुआ, एंड आई जस्ट कुड नॉट बिलीव कि मेरा मध्य प्रदेश अप्रूव हो गया था, क्योंकि ये हमारे यहाँ आसान नहीं होता, इट्स नॉट इजी। तो मेरा अप्रूव हो गया था एंड दैट वाज अ टर्न, मतलब दैट वाज अ पॉइंट कि मुझे लगा कि ये जो प्रेयर्स होती है कितनी पावरफुल होती है। और एक बिल्कुल मेरा, उसके पहले भी मैं नमाज पढ़ती थी, आई वोंट से कि मैं नमाज नहीं पढ़ती थी, मैं रोजे भी रखती थी, लेकिन एक जो स्पिरिचुअल एक जो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है ना लाइफ का, वो मेरा इस दिन आया था कि मतलब मैं सिर्फ उस दिन सिर्फ मैं आई स्टार्टेड क्राइंग कि मुझे ऐसा लगा कि ये इतना बड़ा चीज हुई है और मैंने मांगा था एक्चुअली। तो ये मैं सबसे शेयर करती हूँ कि जब सब रास्ते बनते हैं ना तो दुआ करना चाहिए। ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि नहीं, उसमें दुआ में भी आपने जो बात कही है जिसको मैं अंडरलाइन फिर से करना चाहता हूँ वो ये कि आप मत मांगिए, क्योंकि आप अपने दिमाग से अपनी अक्ल से मांगिए। See, we do not know कि हमारे लिए अच्छा बुरा क्या है and what may appear to you as a loss कि अभी हमें जो गलत लग रहा है apparent loss लग रहा है it might be good for you in the long run,
इसलिए मतलब बहुत बहुत गहरी बात आप कह रही हैं, बहुत गहरी बात कह रही हैं, और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस बात को समझ भी पाएंगे कि हमें मांगना नहीं है, हमें सिर्फ ये कहना है कि जो मेरे लिए बेहतर हो वो हो। और क्योंकि अगर आपकी भाषा में बोलूँ तो कुछ कुछ नंबर ऐसे होते हैं ना, प्राइवेट नंबर होते हैं, तो वहां से मैसेज आप तक आता है, आप उनको कॉल नहीं लगा सकते। ये जो बात आप कह रही हैं वो कैसा ही एक नंबर है जहाँ से खबरें आती हैं, जहाँ से मैसेज आते हैं, और आप बस देखते रहिए, इंतजार करते रहिए कि कब होगा, कैसे होगा। मुझे लगता है कि ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा होगा, क्योंकि उसके पहले तक जो भी था वो कहीं ना कहीं कैरियर 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 था। मैं समझ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं, जैसे कि हमारी और भी दोस्त होती हैं, उनको घर भी संभालना पड़ता है, तो घर भी है, पति भी है, ससुराल भी है, और सामाजिक दूसरी जिम्मेदारियां भी है, और के साथ कैरियर भी है। मतलब कहीं ना कहीं बहुत कठिन होता है ये। हम पुरुष लोग शायद कॉन्सेप्चुअली इसको समझ लेते हैं, लेकिन शायद उसकी गहराई को सच में शायद हम नहीं समझ सकते। मैं आपसे कह रहा हूँ, ये बहुत बहुत टफ होता है। और मुझे, मैं अपनी लाइफ को देखती हूँ ना, इवन आज भी, तो उस वक्त तो बच्चे छोटे थे, तो दूसरे तरह के चैलेंजेस थे, वो चेंज हो जाता है नेचर ऑफ वर्क। लेकिन कभी भी 5 मिनट भी मुझे नहीं लगता कि हमने कभी वेस्ट किए होंगे। घर, ऑफिस, बच्चों को संभालना, प्लस दूसरा सोशलाइज भी करते ही थे, तो सब चीजें मिलाने के बाद आई डोंट थिंक कि कभी हम थकते हो। मुझे तो याद नहीं कि कभी थके हो। और मेरा तो बल्कि ये था कि मुझसे कोई कहे कि मैं थक गई, तो मैं उन लोगों का मजाक उड़ाती थी कि आप थकते कैसे हो, हम तो कभी थकते ही नहीं। कोई कहता सिर दुख रहा है, तो सिर कैसे दुखता है, हमारा तो कभी नहीं दुखता। तो जिसे कहते ना, घमंड करते थे बल्कि अपनी उसके ऊपर के, भाई हम इतनी मेहनत कर लेते। तो बहुत गजब का स्टेमिना था, आई वुड से। अब थक जाते हैं, अब उम्र हो गई है, लेकिन उस टाइम तो बहुत काम किया। अभी भी तब तक काम करते जब तक कि साथ दे रहे हाथ पैर, तब तक भी रुकते नहीं अभी भी। तो क्या इतना काम किया हमने, इतना काम किया हम लोगों ने। मुझे लगता है कि जिंदगी में काम करना तो बहुत जरूरी है। मतलब यू कैन जस्ट काम किए के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। मतलब हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। बाकी देखिए, हर इंसान की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, सबको अपॉर्चुनिटीज अलग तरह की मिलती है, लेकिन हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। यू रियली हैव टू वर्क हार्ड। आप आपने बहुत सही वक्त पर ये बात कह दी, क्योंकि अदरवाइज ऐसा अंदेशा था मुझे कि कुछ लोग यह ना समझ लें कि दुआ पढ़ लो काम हो जाएगा। नहीं, हार्ड वर्क चाहिए, ऊपर वाला साथ भी उसी, ऊपर वाला जो है हमारा, हमें सिर्फ सपोर्ट करते हैं जब हम मेहनत करते हैं। तो जैसे कहते हैं ना, मेहनत हमारी और मदद उसकी। हिम्मते मर्दा मदद खुदा, यस, एग्जैक्टली। है ना। तो मुझे बताइए, आप इंदौर आ गई, परिवार के साथ फिर से आ गई, और यहाँ हाँ, पे एक चीज और, आपके जो बायोडाटा से मुझे समझ में आई, और जो मेरे दिल के भी बहुत करीब है, आप एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं। जो जो लोग शायद पूरी तरह नहीं जानते, एनएलपी जो है आज के दौर में ज्यादातर एआई के रूप में जानी जाती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के रूप में। पर एक एनएलपी साइकोलॉजी से भी जुड़ी हुई है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग उसको बोलते हैं। और मुझे खुशी है कि आज एक ही फ्रेम में दो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के एक्सपर्ट हैं। हमारी गजला जी जो है वो प्रैक्टिशनर है, मैं खुद भी सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। तो आज आपके माध्यम से मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि एनएलपी है क्या। जरा कुछ बातें बताइए कि एनएलपी की ट्रेनिंग आपने क्यों ली, उसमें से क्या सीखा, जरा सबके साथ शेयर कीजिए। मुझे लगता है ये बहुत काम का हो सकता है।
देखिए मैं दिल्ली से जब वापस आई थी ना 2007 में आई केम बैक टू इंदौर. 7 से 11 अगेन वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा था इस टाइम पे. जो ना पहले वर्क प्रेशर था लेकिन पर तब हम लोग एंजॉय करते थे वर्क को बहुत ज्यादा. एक बहुत बहुत ज्यादा मोटिवेशन था. लेकिन जिस 7 to 11 का जो मेरा दौर रहा ये वो टाइम था जब बीएसएनएल का रेवेन्यू शेयर और कस्टमर शेयर स्लिप होना शुरू हो गया था. तो एक परफॉर्मेंस प्रेशर जो इतना बहुत बढ़ चुका था कि हमें आउटपुट देना है, रेवेन्यू टारगेट्स अचीव करना है और जो नेटवर्क एक्सपांशन के भी टारगेट्स होते थे वो भी अचीव करना है. तो वो सब एक अपनी तरफ चल रहा था. प्लस कुछ ऐसा हुआ कि मैं मतलब लाइक एवरीवन आई टू हैव फेस्ड डिफिकल्ट टाइम्स इन लाइफ. तो मैं बहुत एक डिप्रेशन का एक मेरा दौर आया तो मैं काम भी नहीं कर पा रही थी अच्छी तरह. और मुझे मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर काम नहीं कर पाऊँ तो मैं सबसे ज्यादा परेशान हो जाती हूँ कि मैं काम नहीं कर पा रही. मैं इस चीज से परेशान हो जाती हूँ कि मैं काम नहीं कर पा रही. तो मुझे लगा कि नहीं ठीक तो होना है. तो बस मुझे पता चला तो मैंने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं एनएलपी को. मेरी एक फ्रेंड थी एक्चुअली उन्होंने इंट्रोड्यूस किया. तो मुझे दो एक सेशन में मुझे बहुत अपने में चेंज नजर आया. तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको सीखते ही हैं. तो फिर मैंने प्रॉपरली एनएलपी सीखा. और एनएलपी के बारे में मैं ये कहूंगी कि कुछ भी नया कुछ नहीं है. इट इज जस्ट एक सेट ऑफ टूल्स इंटरवेंशंस जो कि इंसान को मदद करते हैं. जो लोग बहुत देखिए जो लोग बहुत मेंटली स्ट्रांग है तो दे आर ऑटोमेटिकली उनके पास गॉड गिफ्ट है कि उनको ऑलरेडी वो दे आर एबल टू ड्राइव मेंटल कार. यहाँ पर आप एक या दो कुछ एग्जांपल बता सकते हैं जो उसमें से लर्निंग आपको मिले, विच विल बी यूजफुल टू एवरीवन? हाँ लर्निंग मुझे जो मिली ना कि एक तो मैं मुझे जो सबसे अच्छी चीज अपनी लाइफ में जो जिससे मैं बहुत शांत हो गई. मतलब जो मुझको जो भी मेरा था कि आपका आपका होता है इंसान को और उसके जैसे किसी ने कहा ना कि पापी से नफरत करो पाप से ना करो. कहना आसान है लेकिन हम लोग ऐसा कर नहीं पाते. तो मैं मुझको ही आ गया कि मेरे सामने अगर कोई गुस्सा करता है मेरे सामने कोई इंसान गलती करता है तो मैं आई कैन सेपरेट द टू थिंग्स. कि मुझे उस इंसान का भी बुरा नहीं लगेगा. मुझे ऐसे लगेगा इज इन ए मेंटल स्टेट ऑफ एंगर. अभी उसको इस वक्त गुस्सा आ रहा है. मतलब मैं ये नहीं कहूंगी यार पागल है वैसा है वैसा है तो गुस्सा करता है. आई वोंट जज पीपल लाइक दिस. तो मुझे इससे मुझे क्या बहुत आराम मिला. क्योंकि क्या होता है अगर आपको अपनी क्रिएटिविटी बनाए रखनी है ना तो ये पूरा जो है ना इसको सबको रिसाइकल बिन में डाल के डिलीट करना बहुत जरूरी है इन चीजों को. वरना हमारा प्रोसेसर भी स्लो हो जाता है. तो मुझे मुझे ये चीज उससे बहुत उसमें काफी हेल्प मिली कि. और देखिए दूसरी बात क्या होती है इंसान मैं सबसे कहती हूँ कि गलतियां इंसान को सबसे ज्यादा सिखाती है. और एक बहुत अच्छी सेइंग है किसी ये है कि देर इज नो क्लीमेंट पर्सन हु इज नॉट स्टम्बल्ड. ये दिस इज अ सेइंग बाय प्रॉफिट मोहम्मद कि कोई भी इंसान खुद मर्सीफुल और फॉरगिविंग नहीं हो सकता जब तक कि उसने खुद गलतियां नहीं की हो. तो आप जब माफ करना सीख जाते हो ना तो बहुत हल्कापन महसूस होता है और लाइफ बहुत इजी हो जाती है. वरना लोगों के उसी पे डिस्कशन करते रह जाते. तो मुझे और मुझे एनएलपी से मुझे ये सब जितने भी आइडियल बातें थी ना इसको मैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाई. और मैं एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ लेकिन मेरा कोई कमर्शियली मैं इसको नहीं करती. आई जस्ट ट्राई टू हेल्प माई फ्रेंड्स एंड फैमिली. किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो कहती हूँ चलो आओ एक सेशन लेते हैं. और लोगों को घर में फायदा हुआ. इससे ज्यादा मैं एनएलपी प्रैक्टिस नहीं करती पर लोगों को फायदा घर में हुआ है. नहीं बिल्कुल, मैं मुझे पता है क्योंकि मैं तो काउंसलिंग भी करता हूँ पर जनरली मैं बात नहीं करता हूँ, हमारे स्पीकर्स बात करते हैं. तो मैं मौका ढूंढता हूँ कि कोई अच्छा संदेश अपने स्पीकर्स के थ्रू सब लोगों तक पहुँच सके. तो जी आज बहुत मजा आया आपसे बात करके वगैरह जी. वो खेतों से लेकर तो आकाश तक हमने बात की, जिंदगी में जो कैरियर का जो जुझारूपन है उससे लेकर हमने दुआ तक बात की.
तो मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि आपने भरपूर जिंदगी जी है, भरपूर जिंदगी जी है, और आज आप मेरे ख्याल है एक उस स्पिरिचुअल जंक्शन पर हैं जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मैं जब कॉलेज में आपको देखा था, कॉलेज के मंच पर आपको गाना गाते हुए, तो मेरे दिमाग में तो कल्पना बिल्कुल नहीं थी कि मैं आज आपसे बैठकर यहाँ इस तरह से ये इन विषयों पर बात करना। तो आपसे जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें ये भी बहुत बड़ी शिक्षा है कि लेट अस नॉट जज एनीबडी, लेट अस नॉट थिंक कि कोई कल क्या करने वाला है, वो कैसा बनेगा। कुछ टीचर्स भी बोलते हैं कि ये तो बहुत आगे जाएगा, ये तो कुछ कर नहीं पाएगा, पर मुझे लगता है वक्त कहाँ पे क्या करेगा किसको पता नहीं, किसी को पता नहीं। और तो ये एक बहुत बड़ी सीख मुझे मिल रही है आपसे बात करके। देखिए पुनीत, हम सबकी लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, हम सबका कोई ना कोई सपना होता है, कोई ना कोई विजन होता है, हर इंसान कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो जैसे हम अपने लिए गोल सेट करते हैं, है ना, कि वी सी अगर हमें अपना कोई विजन अचीव करना है या सपना अचीव करना है, गोल सेटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, तो हम वो अपने अचीव करते हैं। लेकिन इन सब के बाद में मेरा ये कहना है कि हमारी अपने स्वयं के प्रति हमारी लॉयल्टी, तो अमंग ऑल लॉयल्टीज के भाई ऑर्गेनाइजेशन से, परिवार से, देश से, इसके बाद एक जो खुद के प्रति एक लॉयल्टी, वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को पहचाने, अपने एग्जिस्टेंस को, कि हम कौन है, हम क्या है, हम यहाँ क्यों आए हैं, कि और जो अपने खुद के लिए एक गोल हर इंसान को सेट करना चाहिए। ये स्पिरिचुअल गोल की बात कर रही हूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल गोल, वो तो करना ही है। देखिए वो मतलब मैं उस स्पिरिचुअलिटी में यकीन नहीं करती कि आप सब कुछ छोड़ दें एंड यू बिकम, जिसे कहते हैं ना एक्सट्रेसिक लाइफ सेलिब्रेसी, वो आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ऑल दैट। तो जो एक लेकिन स्पिरिचुअल गोल ये खुद के लिए सेट करना बहुत जरूरी है कि वी शुड बी एबल टू राइज फ्रॉम एनिमल एग्जिस्टेंस टू दैट हायर सेल्फ। उसकी वो जर्नी जो है ना, और वो एक कंटिन्यूस जर्नी है। नोबडी कैन से कि मैं आज उस लेवल पे हूँ, चाहे उसको कोई सालवेशन कहता है, कोई मोक्ष कहता है, कुछ भी हम कहते हैं, तो वो बहुत एक लंबा सफर है, लेकिन उसमें एवरी स्टेप टूवर्ड्स द डायरेक्शन इज द रियल सक्सेस आई थिंक। तो आपने चैलेंजेस की बात की, किस तरह आप सक्सेस को चेज किया, आपने वो बताया, किस तरह से आप स्पिरिचुअल बेंड ऑफ माइंड है आपका, हार्ट है आपका, लेकिन साथ ही मुझे एमबीए में अच्छी रैंक लाना है वो भी। यस, आपने कहा कि दुआ बहुत जरूरी है लेकिन साथ में हार्ड वर्क भी बहुत जरूरी है। तो आई थिंक दैट्स, मैं बताऊं आपको, आज एक बहुत गजब का संयोग है, आपने एक बहुत बैलेंस जिंदगी जी है, और आज 23 सितंबर है जब दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। अच्छा, तो ये भी कैसा सहयोग है कि हम यस दिन और रात, आप देखिए ना, आप देखें, एक और बहुत अच्छी बात बोलूंगी, आपकी बात से याद आई है ना, आई एम सॉरी आपको इंटरप्ट किया, कि ऊपर वाले ने हर चीज पेयर में बनाई। आप देखिए ना, ही हैज मेड एवरीथिंग इन पेयर्स, दिन है तो रात है, अच्छाई है तो बुराई है, और जैसे अंधकार है प्रकाश है, दुख है सुख है, इवन क्रिएचर्स में भी मेल फीमेल, फ्लावर्स में मेल फीमेल, हर चीज उसने पेयर्स में बनाई है। तो जैसे जो इंसानों की जो क्वालिटीज होती है ना, ये भी पेयर्स में होती है। हर इंसान का कोई दुर्गुण उसके किसी सद्गुण का कारण होता है, और कोई सद्गुण उसके दुर्गुण का कारण भी होता है। तो ये भी हर इंसान में ना पेयर्स में पाए जाएंगे। ये मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया था पिछले कुछ सालों से, लेकिन अब वो ना मैंने ऑब्जर्वेशन करते करते मैंने अब इसको कंसेप्चुलाइज कर दिया, एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड पासिंग इट ऑन। मैं आपको बताऊं, मेरे मेरे पीछे विवेकानंद जी है, जो अद्वैत फिलोसफी अच्छा फॉलो करते हैं। तो ये द्वैत का जो सिद्धांत है, बेसिकली ये वही सिद्धांत, द्वैत का सिद्धांत वही है, सब कुछ और इनके पार कैसे चले जाए। तो खैर, अभी तो हम सब इस दुनिया में हैं, इस और मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि आपसे मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात सीखी वो ये सीखी कि हम अपने करियर में
बहुत सफल हो सकते हैं, उसके बावजूद खुद के प्रति ईमानदार रह सकते हैं। और ये सीखा, अगर आपकी फिर आपके भाषा में बोलो कि बहुत तरह की बातें आपके आसपास चलती रहती हैं इस जिंदगी में, वाइट नॉइज एक तरह का हर तरफ है, उसके बीच में दिल की आवाज को सुन लेना, या उस आवाज को सुन लेना जो आपका खुद का पर्पस है जिंदगी का। छोटी सी आवाज को उस वाइट नॉइज नॉइज के बीच में अगर हम सुन सकते हैं तो वही अपने आप में जिंदगी की एक सफलता है। तो आपको क्या लगता है कि आपने सब कुछ पा लिया या अभी और कुछ करना बाकी है? नहीं नहीं, आपने टॉपिक रखा था ना चैलेंज योर वे टू सक्सेस, तो सबसे पहला जो सवाल मेरे दिमाग में आया था वो ये था कि मैं तो खुद को सक्सेसफुल बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि मुझे कई चीजें अब समझ में आती है जो मुझे ऐसा लगता है कि ये 10 साल पहले समझना था, कोई चीजें आज शुरू कर रहे हैं जो लगता है 10 साल पहले क्यों नहीं करी, तो मुझे ऐसा लगता है अभी बहुत काम करना है, तो इसलिए मैं बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं करती। मैं आई वॉन्ट टू यूज एवरी मिनट ऑफ माई लाइफ के मुझे मरने से पहले ये करना है, आई वॉन्ट टू एस्टेब्लिश दिस, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो बहुत कुछ अभी करना है और बहुत कुछ बाकी है, और बस है ना, लेकिन वर्क को एंजॉय करो ना, उसको बर्डन की तरह नहीं, उसको एंजॉय करो, पढ़ाई को भी काम को भी। बच्चों से भी यही कहती हूँ, पढ़ो इसलिए नहीं कि नंबर लाना है, सीखने के लिए पढ़ना है, तो और मस्ती भी खूब करो। हाँ, तो दिल खुश हो गया गजल जी आपसे। मैंने कॉलेज में आपसे कभी इतनी बातें नहीं की थी, आप एक साल सीनियर थे तो वो भी एक डर था, और उस जमाने में बॉयज और गर्ल्स इतनी बात आपस में नहीं करती, कहीं ना कहीं थोड़ा कंजर्वेटिव सीन था उज्जैन, पर आप भी मंच पर होती थी, मैं भी मंच पर होता था, आप गाने गाती थी, डिबेट होता था, और आज आपके साथ एक ही मंच पर, एक वर्चुअल मंच पर साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ कहना है गजला जी से तो आप चैट बॉक्स में एक मैसेज दीजिए, और ये चर्चा तो बाद में भी जारी रहेगी, आपसे बहुत कुछ बातें करना है गजला जी, और चूंकि वक्त का हमारी एक मर्यादा है तो आगे फिर कभी हम आपस में जुड़ेंगे। तो अभी इसको कंक्लूड करेंगे हम लोग, कंक्लूड कर रहा हूँ मैं, पर मैं जब चैट बॉक्स में जब लगातार देख रहा हूँ तो कुछ लोगों ने कहा है कि यू आर ए ट्रू इंस्पिरेशन, कुछ डॉक्टर विकास गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि वो भी आपसे इंस्पायर होते हैं, आप गाइडिंग फोर्स हैं, वो आपके छोटे भाई की तरह, उनको लगता है कि वो आपके छोटे भाई। विकास सब दोस्त हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गेसू के सब लोग हैं आज, तो बहुत लोग हैं इसमें, बहुत लोग देखने वाले, आप देखिएगा उज्जैन में बहुत लोग इसको देखेंगे। फिरदौस जी हैं, फिरदौस बोल रहे हैं कि माशाल्लाह पुरानी यादें ताजा हो गई उज्जैन की, इट्स सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू टॉक टू यू, इट वेरी डिफरेंट, लेट मी आल्सो पुट इट दिस वे, इट्स वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। आई वांट टू एंड विद अ शेर, एक शेर बोलना चाहती हूँ, ये हो गया चैट बॉक्स का, हो गया? हाँ हो गया, ठीक है, तो बस मैं एक शेर के साथ पे चाहती हूँ कि हम अपनी बात खत्म करें, कि वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे, वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो काम से आशिकी करते थे, क्या वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो काम से आशिकी करते थे, हम सारी उम्र मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, क्या बात। तो इसी बात पर मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं इसे बंद कर दे ऐसा नहीं कहता हूँ, कहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा थमते हैं, एक पॉज लेते हैं, ये चर्चा चलती रहेगी, तो आई वांट टू थैंक एवरीवन, जस्ट थैंक यू पुनीत एंड थैंक यू ऑल द फ्रेंड्स फॉर गिविंग दिस फोरम टू टॉक टू माय ओल्ड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड थैंक यू। आज आप हमारे साथ जुड़ी हैं और दिल खोल के आपने बात की, देखिए जुड़ी तो है साथ में दिल खोल के आपने बात की। हाँ जी, आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं कुछ पर्दा बीच में है, जो है जैसा है वैसा है, सबके सामने खुला, यही तो हमारे गेसू की खासियत ही है। हाँ जी, तो इसी बात पर शपथ खैर,
शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे। सभी दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया, और ये भी कहना चाहता हूँ कि 49वां हमारा सेशन था, अगला सेशन 50वां सेशन है, जो अपने आप में एक उपलब्धि है हम सब दोस्तों के लिए। आप सबको बधाई, उम्मीद करता हूँ कि हम एक बड़े उत्सव के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी, इसी तरह मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, सीखते